हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीर भान आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का लेसन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और हम आ गए थे यहाँ पे फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के ऊपर विद्वानों की दार्शनिकता यानी कि विचार, वैल्यूज दैट इंस्पायर एंड गाइडेड द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाई इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी, यानी कि जो जो मूल्य थे या जिन लोगों से हमारे फ्रीडम यानी कि जो हमारा आज़ादी का जो संघर्ष चल रहा था, उन जिनसे हम मार्गदर्शित हुए थे आज़ादी में, उन्हीं को यहाँ पे हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उसको पोषित किया, और उसी को ही हमारे लोकतंत्र की, भारत के लोकतंत्र की नींव के तौर पर रखा। These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution, और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सारे के सारे वैल्यू मूल्य नियम है जो वो इसके अंदर embedded यानी कि उसी के अंदर हैं। They guide all the articles of the Indian Constitution, वो भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को क्या करते हैं, वो मार्गदर्शित करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज, और संविधान शुरू होता है जो मूलभूत नियम है उनके बारे में छोटी सी स्टेटमेंट से। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे ही बोलते हैं संविधान की प्रस्तावना। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, अमेरिकन मॉडल से इंस्पायर होके मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद ए प्रीएम्बल, और बहुत सारे देशों ने आज अपने संविधान के लिए क्या चूज कर रखा है, प्रीएम्बल, यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले अपने संविधान के लिए संविधान की प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को जारी किया था, और उसी से इंस्पायर होकर बहुत सारे आज के हमारे जो आज के कंटेम्प्रेरियन के आधुनिक संसार में जितने भी वो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने अपने संविधानों के लिए प्रस्तावना रखी है। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स। चलो अब हम अपने संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं और एक एक कीवर्ड्स को यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उनके मीनिंग को समझते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी, और इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को हम मानते हैं जैसे कि लोकतंत्र की वो एक कविता हो। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, इसके अंदर वह फिलोसफी होती है जिसके ऊपर पूरे संविधान को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके ऊपर सारा का सारा संविधान बना हुआ है। इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, और यह वो स्टैंडर्ड भी देता है जिससे कि हम निरीक्षण कर सकते हैं कि जो कानून है और जो एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार के कार्य हैं और उनका पता लगाते क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रकार यह क्या है, भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा है। ये ऊपर दो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, क्या है, एक तो है इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल और एक है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल, और ये है हमारे संविधान की, हमारे संविधान की जो बुक है ना उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व्ड अ कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी
यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हेयरबाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स स्टार्ट वर्ड बाय वर्ड। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनएक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नोट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है लोगों के द्वारा, लोगों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और यह किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने इसको नहीं दिया है। सेकेंड है सॉवरेन, यानी कि संप्रभु। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों के ऊपर निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो लोगों के पास है, भारत के लोगों के पास ही है। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को डिक्टेट नहीं कर सकती, यानी कि भारत सरकार को वो नहीं दे सकती, आदेश नहीं दे सकती। सोशलिस्ट, समाजवादी। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। यानी कि जो धन है उसको समाज में ही क्या किया है, जनरेट किया है, निर्मित किया है, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। और इस प्रकार इसको समाज में समान रूप से शेयर करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू द रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सरकार को नियंत्रित करना चाहिए भूमि की मालिकाना हक को लेके और फैक्ट्रियों के मालिकाना हक को लेके, जिससे कि क्या होगा, समाज में जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी कि आर्थिक आधार पर जो असमानता है समाज में, उसको दूर किया जा सके। सेक्युलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी कि लोगों के पास पूरी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। बट देर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, और यहाँ पे कोई भी हमारा सरकारी धर्म नहीं, यानी कि किसी भी धर्म को यहाँ पे सरकारी दर्जा नहीं दिया गया, यानी कि राज्य कोई भी धर्म नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सरकार सभी धर्मों को और विश्वासों को समान रूप से क्या देगी, रिस्पेक्ट देगी। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स, होल्ड देम अकाउंटेबल। यानी कि यहाँ पे सरकार जो बनाई जाती है उसके, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनको समान राजनीतिक अधिकारों का आनंद लेते हैं, जिससे कि वो अपने रूलर यानी कि अपने शासकों को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट करते चुनते हैं, और उनके प्रति वो, उनको वो अकाउंटेबल भी रख सकते हैं, यानी कि उनके प्रति वो जवाबदारी भी रख सकते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सेम सम बेसिक रूल्स, और सरकार कुछ मूलभूत नियमों के आधार पे ही चलती है। नेक्स्ट है रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजिशन। और जो राज्य का यानी कि जो देश का जो सर्वोच्च नेता है, उस वो क्या होता है, चुना हुआ नेता होता है, न कि उसको यह पद हेरिडिटरी यानी कि वंशानुक्रम नहीं मिला हुआ है। यानी कि जो चीफ है स्टेट का वो इलेक्टेड है, यानी कि उसको चुना गया है। जस्टिस, यानी कि न्याय। सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। यानी कि किसी भी नागरिक के साथ जाति को लेके, धर्म को लेके और लिंग को लेके किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड, सामाजिक असमानता को ख़त्म करना होगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सरकार को सभी के लिए, सभी के हितों के लिए काम करने होंगे, स्पेशली टू द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, स्पेशली वंचित वर्ग के लिए। लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता। देर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक। यानी कि यहाँ पे नागरिकों के ऊपर किसी प्रकार की बंदिशें नहीं कि वो क्या सोचते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, कैसे वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। एंड दैट वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन, और किस प्रकार वो
अपने एक्शंस को यानी कि अपने विचारों को अपने कार्य रूप में लेते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी नागरिक के ऊपर। इक्वलिटी यानी कि समानता, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के सामने समान है। द ट्रेडिशनल सोशल इक्वलिटी हैव टू बी एंडेड, और जो पारंपरिक सामाजिक असमानता है उसको भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। एंड द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और सरकार को सबके लिए समान अवसर देने होंगे। फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी वर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम सबको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि जैसे कि हम क्या है, एक ही परिवार के सदस्य हैं। नो वन शुड ट्रीट ए फॉलो सिटीजन एज इन्फीरियर, किसी को भी दूसरे नागरिकों को अपने से इन्फीरियर यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने से कम नहीं मानना चाहिए। कंपेयर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, तो आपको इन तीनों कंट्री के यानी कि इंडिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स का और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका, इन दोनों के प्रीएम्बल को क्या करना है, आपने कंपेयर करना है। मेक ए लिस्ट ऑफ आइडिया दैट आर कॉमन टू ऑल दीज थ्री, और एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से जो कॉमन आइडिया हैं जो कि तीनों में क्या है, कॉमन है यानी कि समान है। नो डाउन एट लिस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेज अमोंग दिस, और इन तीनों में कोई एक जो मुख्य जो डिफरेंस है वो लिखो। विच ऑफ द थ्री मेक्स ए रेफरेंस टू द पास्ट, और वो इन तीनों के जो पास्ट है उसके बारे में लिखो, यानी कि इनके प्रीएम्बल बनने यानी कि संविधान बनने से पहले क्या पास्ट था तीनों कंट्री का। विच ऑफ दीज डज नॉट इन्वोक गॉड, और इनमें से कौन सा है जो कि भगवान की स्तुति नहीं करता यानी कि भगवान की प्रार्थना नहीं करता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन यानी कि संस्थागत प्रारूप, वो हम कल पढ़ेंगे। आज का लेसन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट।